भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी भक्त लोग जानते हैं कि हम इस 11वें अध्याय को समझ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कथारूप में। इस 11वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार राजा परीक्षित एक हिरण का शिकार करने के लिए गए हुए थे और वहां उनको प्यास लगी, और फिर जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वो ऋषि श्रमिक ऋषि थे और श्रमिक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। उनको किसी भी प्रकार का समाचार नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि वो बाह्य जगत से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तो उस समय जो है उनको क्रोध आ गया पानी नहीं मिलने की वजह से, और क्रोध के वशीभूत उन्होंने उसी झोपड़ी से बाहर निकलते समय जब देखा, कुटिया से बाहर निकलते समय, कि वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, वो उठा करके उन्होंने गले में डाल दिया। किसके? श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। और इस प्रकार से वो वहां से चले गए। उनको बाद में मन में पछतावा भी हुआ और सोच रहे थे क्या वास्तव में ऋषि ध्यान में थे, कहीं ढोंग तो नहीं कर रहे थे। पछतावा भी हो रहा था, ये मैंने क्या किया। इसी बीच ये संदेश जो है श्रमिक ऋषि के बेटे श्रृंगी को पहुंचता है, और श्रृंगी जो है वो छोटा सा बालक गुस्सा हो जाता है, क्रोध में आ जाता है, और क्रोध में आकर के कहता है कि ये कलयुग के सम्राट हैं और ये जो है नियम नहीं जानते हैं, सम्मान करना नहीं जानते हैं, और इन्होंने हमारे पिताजी के ऊपर सांप डाला है, इसलिए मैं बहुत क्रोधित हूं। अब मैं इनको अपनी शक्ति दिखाऊंगा। वो हाथ में जल लेते हैं और संकल्प लेते हैं, फिर उस राजा को, राजा परीक्षित को, वो श्राप देते हैं। श्राप रूप में वो कहते हैं कि आज से 7वें दिन इस राजा परीक्षित की तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तक्षक बार बार शब्द आ रहा है, तो हो सकता है आपको लगे कि ये तक्षक क्या होता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो उड़ने वाला सांप, फ्लाइंग स्नेक, उड़ने वाला सांप, ये तक्षक था। इस प्रकार जो है राजा परीक्षित ने इस सांप को स्वीकार किया, उन्होंने किसी भी प्रकार से इसका विरोध नहीं किया, और उन्होंने इसको भगवान की ही इच्छा समझा। इसे लिखा हुआ था कि उसने समझा कि ये जो श्रमिक ऋषि थे, इनका बेटा श्रृंगी जो है, ये ब्रह्म शाप के रूप में अर्थात भगवान के ही रूप में आकर के मुझे ये संदेश दे रहे हैं कि अब मुझे राज्य भार छोड़ देना चाहिए, घर परिवार त्याग कर देना चाहिए और मनुष्य जीवन के उद्देश्य की तरफ कार्य करना चाहिए। वैसे तो परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में हम कहीं से भी कुछ भी अगर समझने का प्रयास करते हैं तो क्या आता है? भगवान श्री कृष्ण की कथा आती है। उदाहरण के लिए हमने समझा था रसगुल्ला, अगर रसगुल्ले को कहीं से भी स्वाद लेंगे तो कैसा स्वाद देगा? मीठा ही स्वाद देगा। तो उसी प्रकार ये राजा परीक्षित की कथा है कि शुरुआत में देखें, जन्म की कथा देखें, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। अंत में देखें तो भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं, पूरी की पूरी भागवत वो परीक्षित महाराज के माध्यम से ही हम सब सब तक आई है। और फिर हमने देखा कि जो राजा परीक्षित थे वो पहुंच चुके गंगा नदी के किनारे पर। वहां पर अन्य अन्य बहुत सारे ऋषिगण आए हुए हैं, और वो सब ऋषियों को मालूम था कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी आने वाले हैं, वो कथा करने वाले हैं,
तो बहाना करके कि तीर्थ स्थान भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, वो परीक्षित महाराज के पास और सुखदेव गोस्वामी जी के पास आ गए हैं। अंत में हमने देखा था परसों शनिवार के दिन महाराज परीक्षित ने सबका यथोचित अभिनंदन किया और इस संसार से पलायन करने से पहले जाने अनजाने किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगी। इस बात के ऊपर भी हमारी चर्चा हुई थी कि हम सब लोगों को जो वैष्णव अपराध है उससे बचना चाहिए और हमें प्रतिदिन जो है वांछा कल्पतरु के माध्यम से सभी वैष्णवों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये हमने कल समझा। अब आगे देख रहे हैं, सभा में जब सबने अपना आसन ग्रहण कर लिया, महाराज परीक्षित खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने पारिवारिक जीवन तथा शाही ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त हो गया था, इसलिए मुझ पर विशेष कृपा करते हुए भगवान इस ब्रह्म शाप के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो स्वयं राजा परीक्षित कह रहे हैं कि ये जो शाप है, ये जो श्रृंगी ऋषि ने दिया है, इसको मैं क्या मान रहा हूं, स्वयं भगवान का ही संदेश मानता हूं। यहां तक हो गया था राइट? इसके आगे चल रहे हैं अब हम। यस प्रभु जी। थैंक यू। सभा में जब सबने अपना आसन ग्रहण कर लिया, महाराज परीक्षित खड़े हुए, तो ये सभा कहां पर है? ये सभा है शुक्र ताल में। वहां पर क्या है? वहां पर सभी ऋषि गण इकट्ठे हुए हैं और नदी पे, गंगा नदी के किनारे पर एक बरगद के पेड़ के नीचे ये कथा के लिए एकत्रित हुए हैं सारे के सारे ऋषिगण। हे ब्राह्मणों, कृपया मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें। मैंने अपने हृदय में एकमेव श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। अब चाहे तक्षक मुझे तक्षण भी क्यों न डस ले, मेरी बस यही एकमात्र इच्छा है कि आप सब निर्बाध भगवान विष्णु की महिमा को गाते रहें। श्रीमद् भगवद गीता में, सॉरी, श्रीमद् भागवत कथा में, किसी ने भगवद गीता क्लास के नाम से मैसेज किया, श्रीमद् भागवत कथा रूप पुस्तक के अंदर हैं हम और ये 11वां अध्याय समझ रहे हैं। पुस्तक के अंदर 31वां पेज है। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि आप निर्बाध रूप से बिना रुके हुए क्या करें, गुणगान करें, भगवान की लीलाओं का गुणगान करें। और मैंने तो पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है। तो भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में, कि जो मेरा स्मरण करता है अंतकाल में वो मेरे धाम को आता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और भागवतम में ही एक श्लोक आता है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति ही। ध्यान से सुनिएगा क्या शब्द आया है, अंते नारायण स्मृति ही। जिसको अंत में नारायण की स्मृति आ गई उसका जीवन क्या हो गया, ऐसे इशारा करो, इशारा कीजिए सभी लोग, सफल हो गया। पर जिसको ये नारायण की स्मृति नहीं आई उसका जीवन विफल हो गया। हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा स्मरण आए, नारायण का स्मरण आए, नारायण का स्मरण कर सके, भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके, उनकी लीलाओं का। मैं अभी 2 दिन से रियलाइज कर रहा हूं कि जब से कथा रूप करना शुरू किया है, ऑटोमेटिकली कुंती महारानी, परीक्षित महाराज, अश्वत्थामा और ये सब ऑटोमेटिकली दिमाग में चलने लग गया है। क्या आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ दिन से यही चल रहा है आजकल? तो ये श्रीमद् भागवतम की विशेष कृपा है। भगवत गीता के श्लोक तो नहीं चलेंगे दिमाग में, नहीं आते हैं, लेकिन भागवत की ये विशेष कृपा है। ऑटोमेटिकली मैं प्रवचन करने जा रहा हूं, मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ रही है, और कहीं पर भी कथा करनी हो रही है, कुछ करनी हो रही है, यही भागवतम शुरू हो जाती है। कुंती महारानी की प्रार्थना है और अश्वत्थामा वाली घटना है, पूरे भीष्म पितामह की घटना। तो इस प्रकार से ये वास्तव में हम देख पा रहे हैं कि सब लोग जो हैं ये भागवतम श्रवण करने के माध्यम से अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने कहानी सुनाई थी, एक प्रभु जी थे और उनके जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उनकी आंटी जी जो हमेशा डांटा करती थी वो क्या कहने लगी, मेरी मृत्यु होगी तब आप कीर्तन करोगे क्या? मैं आप सबको नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि
यदि पुनः इस संसार में मेरा जन्म बंदा है तो वैसा होने दो। मेरी एकमात्र यही कामना है कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहे और मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो। यही बात कौन कह रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी शिक्षा अष्टकम में। किसी को याद है? कौन बताएगा चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं अपने शिक्षा अष्टकम में? 8 श्लोक की शिक्षा अष्टकम है, बहुत सरल है, सबको याद होनी चाहिए। प्लीज यस पूनम गर्ग माता जी बताइए। 8 श्लोकों की ही शिक्षा अष्टकम है, आप सबको याद होनी चाहिए। प्रभु एक क्वेश्चन बता दीजिए, मुझे पूरा याद तो है, मैं वो हमारा डिस्टर्ब हो रहा था तो आवाज नहीं आई आपकी। माता जी प्रश्न ये है कि जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि राजा परीक्षित ने कहा कि मेरा भले पुनः जन्म हो जाए लेकिन मैं तो हमेशा भगवान के स्मरण में रहना चाहता हूँ, उनकी भक्ति करना चाहता हूँ, उनके चरण कमलों के प्रति आसक्त होना चाहता हूँ। तो इसी तरह की चैतन्य महाप्रभु ने नाम नाम कारी बहुधा निशा शक्ति तत्र अर्पिता जनतु नहीं। और कोई आप में से? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि न तो मुझे क्या चाहिए, न धनम धन चाहिए। अब हमारी स्थिति जस्ट उल्टी है तो समझाने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं न धनम न जन्म न क्या चाहिए, लोग चाहिए, फॉलोअर चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम, नहीं कोई सुंदर स्त्रियां चाहिए जो मुझे प्रेज करे और मेरे साथ में रहें, न सुंदरी न कविताम, नहीं मुझे कुछ गुणगान करने वाले लोग चाहिए मेरा गुणगान करें। वाह जगदीश काम है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, नहीं मुझे कोई स्वामी बनने की कामना है। जगदीश स्वामी मम जन्मनी जन्मनीश्वरे जन्म जन्मांतर तक क्या हो भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे कृष्ण हे गोविंद, आप अपनी मुझे अहेतु की भक्ति प्रदान करें, यही मेरी कामना है अहेतु की। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी क्या बुरा है वापस से जन्म लेने में, आएंगे सेवा करेंगे लोगों को मदद करेंगे, कितना भी करते रहो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ही पड़ेगा। भक्त जो है न तो पुण्यों की परवाह करता है न पाप की परवाह करता है, वो क्या करता है मात्र अकर्म करता है, कृष्णा कॉन्शियस कर्म करता है। तो यही बात राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मैं अगर दोबारा जन्म लूं तो मुझे जन्म लेने देना कोई बात नहीं, मेरी एकमात्र यही कामना है कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहे और मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो। डिवोटी एसोसिएशन, आप सब लोग भी बहुत परम सौभाग्यशाली है। उसका एक कारण तो क्या कि आप सबने तिलक लगा रखा है, कुछ लोगों ने नहीं लगाया अभी भी। मैंने क्या बताया था, धरती माता अपने अपने ऊपर जब भगवान श्री कृष्ण के 2 चरणों को पा रही थी तो क्या कहती है वो कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मैं सबसे परम सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपना स्पर्श अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं। मैंने आपसे कहा था आप भी परम सौभाग्यशाली हो सकते हो, कैसे, भगवान की 2 चरणों को अपने सिर पर लगाते हो। शर्म मत करो, ये छोड़ दो, अभी तो वैसे भी राम युग आ रहा है, राम राज्य आ रहा है, अभी चिंता है छोड़ दो, कौन क्या कहेगा। हाथ में झोली होनी चाहिए और सिर पर तिलक होना चाहिए और गले में कंठी होनी चाहिए और हो सके तो पीछे एक शिखा भी होनी चाहिए, खास करके भगवान के चरण अपने सिर पर धारण करो। नेक्स्ट, मैं यहां मृत्यु पर्यंत व्रत लेकर बैठा हुआ हूं और आपसे अपना सर्वोच्च कल्याण मार्ग जानने का इच्छुक हूं। व्रत ले लिया था मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक उन्होंने व्रत ले लिया। व्रत क्या होता है कि कोई किसी भी चीज की प्राप्ति या जो कुछ होना होता है वो होता नहीं है तब तक के लिए कोई धारण कर लेता है किसी भी चीज को, तो उन्होंने धारण कर लिया है मृत्यु उपरांत कि मैं इंतजार करता रहूंगा मृत्यु का और आपसे अपना सर्वोच्च कल्याण मार्ग जानने का इच्छुक हूं। कभी भी किसी साधु के पास जाओ जो वास्तविक साधु हैं, उनसे क्या पूछना है, मेरे लिए सर्वोच्च कल्याण का मार्ग क्या है, मेरी भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे साधु संग कैसे मिलेगा, मुझे भगवान का स्मरण कैसे मिलेगा, ये पूछना है। नहीं तो राजस्थान में, गुजरात में, आजकल ऊपर भी मैंने देखा गढ़वाल वगैरह में भी, हिमाचल वगैरह में भी
साधुओं के पास जाते हैं, साधु जो है वो कुछ डुप्लीकेट साधु होते हैं और वो माथा धुनते रहते हैं, हाँ यहाँ तेरा कल्याण हो जाएगा, तुझे जो है ये मिल जाएगा। और साधु भी बहुत सारी बातें हैं, समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यह कहकर महाराज परीक्षित गंगा के दक्षिणी तट पर उत्तराभिमुख होकर बैठ गए। कुश घास से बने उनके आसन की जड़ें पूर्व दिशा की ओर थी। राजा के दृढ़ निश्चय को देखकर स्वर्ग में देवताओं ने नगाड़े बजाकर तथा पुष्प वर्षा करके हर्ष को व्यक्त किया, अपनी खुशी को व्यक्त किया कि स्वयं सम्राट पृथ्वी के राजा परीक्षित दृढ़ व्रत धारण करके बैठे हैं और अब वो जो हैं पूरी तरह से सब कुछ छोड़ करके अपने जीवन के कल्याणार्थ हेतु, परम कल्याण हेतु गंगा नदी के तट पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, वहां एकत्र ऋषि मुनियों ने भी महाराज परीक्षित की प्रशंसा की। हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने राज्य का परित्याग कर दिया है। जब तक आप अपने इस मर्त्य शरीर को त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं हो जाते, हम यही रहेंगे। हरी बोल। ये होता है साधु संघ। द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द होल अर्थ, होल प्लानेट इज राजा परीक्षित। क्यों? उसको साधु संघ मिला हुआ। कौन कौन से साधु आए हुए? नारद मुनि, वेद व्यास जी, पराशर मुनि, और भी अलग अलग ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, अलग अलग प्रकार के ऋषिगण आए हुए वहां पर। इतना उनको सानिध्य मिल रहा है, सोचो। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर हैं। श्री कृष्ण के विषय में सुनने को इच्छुक महाराज परीक्षित ने एक बार पुनः ऋषियों को संबोधित किया। आपका जीवन सदैव दूसरों के कल्याणार्थ रत रहता है और इसीलिए आप यहाँ एकत्र हुए हैं। कृपया मुझे बताइए कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है। परीक्षित महाराज ने पहला प्रश्न पूछा अपना। परीक्षित महाराज का ये पहला प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, क्योंकि यहां से ओरिजिनल भागवतम जो बोली गई थी पहली बार राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी ने, वो प्रारंभ हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है। प्रत्येक परिस्थिति में, कौन सी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसका परम कर्तव्य क्या है। चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी हो, कोई भी कार्य में लगा हुआ हो, उसका परम कर्तव्य क्या है, सर्वोच्च कर्तव्य क्या है। नेक्स्ट, और विशेष रूप से उस व्यक्ति का जो मरणासन है, और उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जो भी मरने वाला है, जिसकी भी मृत्यु होने वाली है, उसका क्या कर्तव्य है। तो ये दो प्रश्न पूछे हैं किसने? राजा परीक्षित ने। आप में से क्या नाम है, रीमा पटेल माता जी, अनम्यूट करके बताइए कि क्या दो प्रश्न पूछे हैं परीक्षित महाराज ने सुखदेव ऋषि मुनियों से, वहां जो ऋषि मुनि थे उनसे। यस, हरे कृष्णा। माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, तो कोस्ट है। समझे नहीं क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन में। माता जी, 6 नहीं है ना, राजा परीक्षित ने अभी 2 प्रश्न पूछे हैं। राइट नाउ, अभी क्या 2 प्रश्न पूछे हैं? ठीक है, आपका ध्यान नहीं था शायद कहीं पर, आप थोड़ा सा। ये आपका व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी। यस, तो पहला प्रश्न पूछा था कि हर एक परिस्थिति में सामान्य मनुष्य का क्या कर्तव्य है, हर एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि विशेष रूप से उस व्यक्ति का जो मरणासन है, जिसकी मृत्यु निकट है, जिसकी मृत्यु आ गई है, घोषणा हो चुकी है, उसका क्या कर्तव्य है। कल की एक घटना बताता हूँ आप सभी को। कलम खुरजा गए हुए थे, हमारे में सुधा माता जी है क्लास में जो आते थे, और अभी भी शायद बिजी है इसलिए किसी कारणवश आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, अभी है कि नहीं मालूम नहीं। तो कलम वापस आ रहे थे, माता जी ने बहुत कहा कि प्रभु जी लेट हो जाएगा, फॉग है, मत चलिए, अच्छा नहीं है, आप या तो जल्दी निकल जाइए।
हमने हमने देखा बाहर फॉग नहीं था, थोड़ा बाहर निकल गए और फिर गाड़ी निकल गई, उस खुरजा से बाहर निकले हम, तो देखा थोड़ा थोड़ा फॉग है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते गए, फॉग बहुत डेंस हो गया था, बहुत घना फॉग था, मतलब गाड़ी 20 की स्पीड से 30 की स्पीड से चल रही थी, कोई रोड पे दिख नहीं रहा था, ऐसी स्थिति थी। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, लगभग 130 किलोमीटर चलना था, धीरे धीरे चल रहे हैं, हमने सोचा थोड़ा आगे जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे थे हम, और वहां से फिर बहुत सारी पीछे से गाड़ी आई, वो जा रही थी धीरे धीरे, हमने सोचा चलो इनके आसपास चलते रहते हैं, 3 लाइन हाईवे था, 3 इधर 3 उधर, चलते गए आगे, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो वो गाड़ियां तो जल्दी जल्दी चल रही थी, वो गाड़ियां सारी निकल गई, फिर हमारी गाड़ी अकेली रह गई, फिर वो गाड़ियां निकल गई, फिर हमने आगे जाके देखा वो सारी गाड़ियां वहां पर एकदम से जाम सा लगा हुआ था, क्या हो गया सारी गाड़ियां यहाँ पे कैसे हैं, देखा कि वहां से उनको डाइवर्ट कर रहे थे, आप इधर से मत जाओ, इधर से जाओ, इधर से मत जाओ, इधर से जाओ, और हमारी गाड़ी वहां पहुंची, हमने देखा कि 2 लोग रोड पे गिरे हुए थे, स्कूटी चूर चूर हो चुकी थी और उनकी हालत बहुत खराब थी, 3 लोग थे वो, एक लगभग ठीक था, एक ऑलरेडी लंगड़ा था, उनके पैर नहीं थे, दिव्यांग था, और एक जो है पूरी तरह से जो है एक्सीडेंट में घायल हो चुका था। अब वहां पे एक लड़का जो है वो सबको बैटरी, मोबाइल की बैटरी दिखा के लोगों को डाइवर्ट कर रहा है, इधर से जाओ इधर से जाओ, नहीं तो उसके ऊपर गाड़ियां चलती रहती, ऐसी स्थिति में वो पड़ा हुआ था। तो फिर हम जो है हमने भी गाड़ी साइड लगाई, उससे पूछा क्या हुआ भैया, एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया आपने और भी कुछ पुलिस वगैरह फोन किया, बोले कुछ फोन नहीं लग रहा है, कोई आने को तैयार नहीं है, पुलिस से बात नहीं हो रही है, बहुत ऐसी तकलीफ हो रही थी। फिर एक आध कोई और व्यक्ति था वहां पर, फिर हमारे जो प्रभु जी लोग थे वो सब लोग उतरे और हमने कहा कि जाइए उनसे बात कीजिए क्या हुआ है, तो उनसे बात किया, मालूम किया कैसे हुआ, वो तीनों मुस्लिम थे, तीनों मुस्लिम थे, और हम लोग जो है हरे कृष्णा वाले मंदिर वाले प्रभु जी लोग जो थे कीर्तन करने वाले, हम वहां पर रात को 10-10:30 बजे उनके साथ में खड़े होकर के वो कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है कुछ भी। फिर हमने जो जिन माता जी के यहाँ कीर्तन था उनको ही फोन किया खुरजा में, सुधा माता जी को, क्योंकि वो हॉस्पिटल चलाती थी, मैंने कहा माता जी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग सब स्वस्थ हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कृपया करके एक एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। तो उन्होंने एक एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था की, वो एम्बुलेंस वहां पर आ रही थी, इतने में वहां एक एम्बुलेंस पहुंच गई, तो मैंने कहा माता जी को वापस फोन किया, माता जी वो एम्बुलेंस आ गई है, आप उनको मना कर दीजिए। माता जी कहते हैं नहीं हमने भेजिए वही आई होगी, क्योंकि वो एम्बुलेंस वाला कह रहा था कि मैं वहाँ आसपास ही हूँ, तो वही एम्बुलेंस वहां पहुंची और हमारे भक्तों ने उन मुस्लिम परिवार वाले लोगों को हाथों से उठाया और उसको अंदर एम्बुलेंस में रखवाया। वहां पर मैं ये सब बोल क्यों रहा हूँ, एक तो ये कि भक्त लोग कभी ये नहीं देखते कि क्या है कैसे है, हर समय उनके हृदय में करुणा होती है, दया होती है, मदद करने की भावना होती है, उनको लहू लुहान हो रखे थे, वो हमारे साथ में थे, उनको मैंने उनके जूते पूरे जो है वो हो गए थे खून में, उनका मफलर वगैरह खून में हो गया था, मैंने वो वहीं छुड़वा दिया, उनके पैर वगैरह सब धुलवा के फिर गाड़ी में बैठे। बट उस समय एक और घटना थी, 2 शिक्षा यहाँ पर हम बताना चाहते हैं। तो प्रभु जी कुछ बोल रहे थे, आज मैं जब वापस घटना यहाँ पर बताई तो प्रभु जी ने बोला कि आप एक छोटा वीडियो बना देते कि लोगों को बता देते कि हरे कृष्ण वाले लोग जिनको पाल घर में या फिर वहां पर बांग्लादेश में इन्हीं के किन्हीं लोगों ने मारा था, मृत्यु तक दे दी थी, और वही हरे कृष्ण वाले लोग यहाँ पर मृत्यु से बचा रहे हैं उनको, रोड से पहले तो उनको साइड किया, बीचों बीच थे वहां से उठा के उनको साइड करवाया, और उसके बाद में फिर एम्बुलेंस आई, फिर उसमें करवाया। उस समय की एक और बात थी, वो ये थी कि वहां पर जो उसका तीसरा भाई था बहुत रो रहा था, बहुत अच्छी शिक्षा देना चाह रहा हूँ मैं आप सबको, वो वहां बैठ करके उस टाइम में नमाज पढ़ रहा था, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो उनके जो खुदा है उनके जो अल्लाह है उनको वो याद कर रहा था। तो दूसरी शिक्षा ये कि अंत काल में मरणासन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटी है उसका जो मरने वाला व्यक्ति, तो ये बहुत ही विशेष शिक्षा कल हमें रात को प्राप्त हुई कि देखिए उस व्यक्ति को याद आया कि मैं मेरे एटलीस्ट खुदा को अल्लाह को याद कर देता हूँ, उसके मन में ये याद आया, पर हम भक्त लोग पूरी मदद किए, उनको सब कुछ करवाया, एम्बुलेंस भी बुलवाई, और फिर हम भी धीरे धीरे करते हुए, पहले तो हमने सोचा कि हम कहीं रास्ते में रुक जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए रात को आ गए थे। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर जब राजा परीक्षित ने पूछा है कि जो मरणासन्न व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, मैंने जोकिंगली आपको पहले
कहानी भी बताई थी अगर याद है तो आपको, लोग जो बहुत स्वार्थी होते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं, तो अंत समय भी क्या याद आता है? स्वार्थ याद आता है। तो एक गुप्ता जी थे या कोई थे, इस तरह से व्यापारी थे, और उनके तीन चार चार बेटे थे, और वो मरणासन पे हैं, डेथ बेड पे लेटे हुए हैं, और वो गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, पहले बेटे को बुलाते, बेटा कहाँ हो तुम, आओ। बेटा आता भाग, हाँ पापा जी कहाँ, क्या हुआ, क्या मदद करूँ, क्या सेवा करूँ। बोले बैठ जाओ। फिर दूसरे बेटे को, और बेटा तुम कहाँ हो, दूसरा बेटा भी आता है, हमें पिताजी यहीं पर हो, आपकी सेवा में हूँ, वो भी आकर के बैठ जाता है, सेवा करता है। फिर तीसरे बेटे को बुलाते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, तीसरा बेटा भी आता है, और वो भी पिताजी के पास आके बैठता है, क्या सेवा करूँ। हाँ, तो इस प्रकार से चौथे बेटे को आवाज लगाता, अरे बेटा तुम कहाँ हो, तो चौथा बेटा भी भाग करके आता, बेटे पिताजी मैं भी यहीं पर हूँ, आपकी सेवा में हूँ। तो पिताजी फिर क्या बोलता है, अरे थोड़ा गलत लैंग्वेज उपयोग की गई है उसमें, तुम सब सारे के सारे यहीं पर हो तो दुकान पे कौन है। सोचो क्या चेतना है, व्यापार सही चलेगा कि नहीं चलेगा, धन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेतना है। तो हमें समझने की आवश्यकता है, ये परीक्षित के दो प्रश्न ही पूरी भागवत है, ये राजा परीक्षित के दो प्रश्न ही पूरी भागवत है। एक्चुअल प्रश्न क्या है, इस प्रकार से सुनिए, जो व्यक्ति मृत्यु के पास में निकट है उसको क्या श्रवण और कीर्तन का कार्य करना चाहिए, उसको क्या श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, क्या श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, और जो व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा है उसका क्या श्रवण और कीर्तन होना चाहिए, ये जो है प्रश्न है परीक्षित महाराज के दो प्रश्न। ठीक है, वो छह प्रश्न अलग हैं जो बाद में पूछे थे शौनक आदि ऋषियों ने, और ये दो प्रश्न हैं राजा परीक्षित के, याद रखिएगा। तो बस वो घटना कल वाली याद आई कि लगा कि उस मुस्लिम को भी याद आ गया कि अब मैं मेरे खुदा को याद कर लेता हूँ, मेरे भगवान को याद कर लेता हूँ। पर भक्त दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, उनके ही किन्हीं भक्तों को किसी अन्य देश में उन्होंने बिना किसी गलती के मार दिया था, मृत्यु को क्या कह सकते हैं, बट लेकिन भक्त लोग जो हैं कभी नहीं सोचते ऐसा, हर समय किसी को मदद करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जो प्रश्न है वहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, कृपया मुझे बताइए कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है, और विशेष रूप से उस व्यक्ति का जो मरणासन है। मैं इसका श्लोक डिस्प्ले कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कृपया करके स्क्रीन पे देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 19वां अध्याय और 24वां श्लोक है ये, 1.19.24, ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ततश्च वा पृच्छयामिमं विप्रश्चे विप्रविश्रभ्य विप्रा इति कृत्यायाम कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ताः। तो अनुवाद इस तरह से है, ओ ट्रस्टवर्दी ब्राह्मणा, सारे ऋषियों को जो भी एकत्रित हुए उनको बोल रहे हैं राजा परीक्षित, आई नाउ आस्क यू अबाउट माई इमीडिएट ड्यूटी, मेरे कर्तव्य के बारे में बताइए क्योंकि मैं मरने वाला हूं। प्लीज आफ्टर प्रॉपर डिलिबरेशन, आपस में अच्छे से चर्चा करने के बाद, समझने के बाद बताना, टेल मी ऑफ द अनअलॉयड ड्यूटी ऑफ एवरीवन इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड स्पेसिफिकली ऑफ दोज हु आर जस्ट अबाउट टू डाई, हर किसी के कर्तव्य के बारे में बताइए, और खास करके उसके कर्तव्य के बारे में बताइए जो भी मरने वाला है। ये राजा ने दो प्रश्न उन ऋषियों के सामने रखे और पूरा अच्छे से विमर्श करके आपस में जो है फिर मुझे इसका उत्तर दीजिए, ये दो प्रश्न रखे। कई बार लोग बोलते हैं, कल हम कीर्तन में गए थे तो वहां किसी ने बोला, इतना भक्ति तो ये सन्यासी लोगों के लिए है, कितना करना है, क्या करना है, ये राजा परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि हर एक सामान्य व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसको क्या क्या करना चाहिए। देखो ये लहसुन प्याज और चाय कॉफी और ये सब ना, ये सब सन्यासी लोग छोड़ सकते हैं, हम लोग तो सीधे साधे ग्रस्त लोग हैं, हमारे से कैसे होगा। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं क्या कर्तव्य है। महाराज परीक्षित भली भांति परिचित थे कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही प्रत्येक जीव का सनातन धर्म है, परंतु वे समस्त ऋषि मुनियों के मुखारविंद से इसकी पुष्टि सुनना चाहते थे, जिससे वे निर्विरोध रूप से इसका पालन कर पाए।
ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने ऋषि मुनियों से। तो वो राजा परीक्षित को मालूम है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कि यस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोच्च कर्तव्य है, टॉप मोस्ट कर्तव्य है। कोई और बड़े से बड़े पुण्य से भी सबसे बड़ा पुण्य है भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करना, श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करना, यही सर्वोच्च कर्तव्य है। तो भी वो क्या चाह रहे थे? वेरिफिकेशन, ऋषि मुनियों के माध्यम से भी वो सुनना चाह रहे थे। तो इसी प्रकार की घटना मेरे साथ हुई थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, फोक में रहता था, तो बस सुनता रहता था, सोलह माला करनी है, सोलह माला करनी है, ठीक है सोलह माला करनी है, तो कभी कर ली कभी नहीं की, ऐसे करके होता रहता था। एक बार मैं थोड़ा सा टेंशन में था, ऐसे अपने रूम में जो बंकर बेड सिस्टम होता है, उस टाइम में हमारे कॉलेज में वो हॉस्टल में इस्कॉन के हॉस्टल में ऐसा था, इस्कॉन के हॉस्टल में हम रहते थे, तो बंकर बेड पे ऐसे बैठा हुआ था गुमसुम सा। फिर प्रभु जी आए वहां पर, उस टाइम मैं हॉस्टल बॉय था, समझ रहे होंगे आप, मैं प्रभु जी नहीं था, जो डिवोटी नहीं था फुल टाइम। तो बाहर से प्रभु जी आए, जो हमारे मेंटोर थे, वो प्रभु जी आए जयपुर के अंदर। बोले क्या हुआ, इतना निराश क्यों, क्या है? प्रभु जी बस मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना है, मैंने बहुत सुन लिया प्रभुपाद जी से, कृष्ण भगवान से, भगवत गीता से, कि भाई हमेशा भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रभुपाद जी बोल रहे सोलह माला करो, सोलह माला करो, सोलह माला करो, मुझे तो आप बताइए, आप मेरे, आप जो हैं वो मेरे को गाइड कर रहे हैं जब से मैं आया हूं भक्ति में, आप बताओ कि सोलह माला करने से मुक्ति मिलेगी ना, सोलह माला करने से मुक्ति मिलेगी ना, आप बताओ। तो प्रभु जी ने अच्छे से फिर कॉन्फिडेंस के साथ में कहा कि हाँ पक्का मुक्ति मिलेगी। स्वागत है राम अवतार जी। तो वो जो है प्रभु जी ने मुझे क्या कहा कि सोलह माला करोगे अवश्य मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। मैंने फिर उस दिन से और डिसाइड कर दिया कि सोलह माला करनी करनी है, पक्का डिटर्मिनेशन आ गया। वैसे ही राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि यस कृष्ण भगवान की भक्ति सर्वोच्च कर्तव्य है, लेकिन ऋषि मुनियों मुझे डबल कंफर्मेशन दो, टाइम कम है कि यही करना है ना, और तो कुछ नहीं करना। ऐसे करके ये हम भी कई बार अपने जीवन में इस प्रकार का कंफर्मेशन मांगते हैं। एक प्रभु जी से अपना उत्तर नहीं मिलता तो दूसरे प्रभु जी के पास जाते हैं। एक प्रभु जी से पूछते, प्रभु जी बाहर बिना लहसुन प्याज का तो खा सकते हैं ना प्रभु जी? वो प्रभु जी बोलते हैं नहीं खा सकते हैं। दूसरे प्रभु जी के पास, प्रभु जी देखो ना कभी कभी बाहर गए हुए हैं और मतलब कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, तो बिना लहसुन प्याज का खा सकते हैं? थोड़ा इधर उधर से घुमा करके प्रश्न पूछ लिया, हाँ हाँ ऐसी परिस्थिति में बोले खा सकते। तो हम भी ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ऋषि मुनियों से सुनना चाहा, जिससे वे निर्विरोध रूप से इसका पालन कर सक पाए। जिस प्रकार विभिन्न चिकित्सक एक ही रोगी का विभिन्न दृष्टिकोणों से रोग निर्णय करते हैं, उस सभा में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज परीक्षित के प्रश्न को लेकर ऋषि मुनियों के भिन्न भिन्न मत थे। डॉक्टर की सेकेंड ओपिनियन के लिए बोला जाता है ना, कि ये डॉक्टर ने ये बोला है तो दूसरे डॉक्टर की भी कॉपी ओपिनियन ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है राजा परीक्षित कंफर्मेशन चाह रहे थे। फिर आगे कहा जा रहा है कि महाराज परीक्षित के प्रश्नों को लेकर के आपस में क्या हो गई, चर्चा होने लग गई, और सबका लगभग ऐसा लग रहा है भिन्न भिन्न मत है, क्या करना है, कैसे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने दिन थे राजा परीक्षित के पास? सभी लोग इशारा करेंगे, जो भी जाग रहे हैं सो रहे वो मत करना प्लीज, और टेक्स्ट में लिख के भेजिए। कितने दिन थे राजा परीक्षित के पास? कितने? 7 दिन थे राजा परीक्षित के पास, जो आप कथा में सुन रहे हैं। श्रृंगी ने श्राप दिया था, तो 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, और अब ऐसे में क्या सॉल्यूशन दें? 7 दिन बाद मृत्यु है, क्या बोला इनको? अगर बोल दिया और गलत हो गया तो? ये तो सम्राट थे पृथ्वी के, भगवान के भक्त थे। आपस में चर्चा चल रही है इसके विषय में। जब से सब आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वहां श्रील सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। कौन पधारे वहां पर? सुखदेव गोस्वामी जी वहीं पर पधार चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी जी वहां पधारे हैं। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी जी आए, जैसे ही ये सब चर्चा आपस में चल रही है, तो सुखदेव गोस्वामी जी का स्वागत करें हम सब लोग। सुखदेव गोस्वामी जी स्वागत है आपका इस भागवत कथा में। अब सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट हो चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी के पिता श्रील व्यासदेव जानते थे कि सुखदेव जन्म लेते ही घर से चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने गर्भावस्था के दौरान ही उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश दे दिया था। श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का परिपक्व फल है, जो हमने पढ़ा था। क्या था?
निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर, इस कल्प वृक्ष का कैसा वृक्ष है, गलितम फलम, तो उसके लिए वही बात कही जा रही है कि श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वैदिक वांग्मय का परिपक्व फल है। और चूंकि सुखदेव गोस्वामी समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे, श्रील व्यास देव ने इसका ज्ञान देने के लिए उनका ही चुनाव किया। आखिरकार वेद व्यास जी ने क्या कहा कि जो प्रश्न का उत्तर कौन देंगे, स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी देंगे। तो जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी ने अपने घर का त्याग कर दिया था। तो खास करके श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी जी 16 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहे थे, किसी अन्य पुराण में उसको उनके लिए कहा गया है 12 वर्षों तक। तो कहने का अर्थ है अधिक समय तक रहे, और यही कारण था कि वो डर रहे थे कि माया का कहीं उनके ऊपर प्रभाव ना आ जाए। हम तो एक दो माला करते हैं और ऐसे स्टाइल में घूमते हैं, माया क्या करेगी मेरा है? फिर ऐसी माया के चपेट में आते हैं, एक माला दो माला सब कुछ खत्म, ऑटोमेटिकली वापस से पुरानी आदतों में चले जाते हैं। तो राजा परीक्षित के लिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट हुए हैं। आगे देखिए, जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी ने अपने घर का त्याग कर दिया था। बिना किसी संस्कारों की परवाह किए वे तुरंत वन की ओर निकल पड़े। उनसे विरह की भावनाओं से पीड़ित व्यासदेव उनका पीछा करने लगे। व्याकुल अवस्था में व्यासदेव चिल्ला रहे थे, हे पुत्र ठहरो, परंतु प्रत्युत्तर में उन्हें केवल वृक्षों से टकरा कर आई प्रतिध्वनि ही सुनने को मिलती थी। प्रतिध्वनि क्या होती है? अगर ये बोला है आप में से उत्तर देंगे राम अवतार जी, प्रतिध्वनि क्या होती है? कहाँ गए आप? हरे कृष्णा, प्रतिध्वनि जी, इको बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो जैसे कई बार हम पहाड़ों पे जाते तो क्या बोलते थे, कुछ भी बोलते तो वो वापस से दोबारा से टकरा करके आवाज वापस आती है। तो ये बोल रहे थे हे पुत्र ठहरो, तो उसी प्रकार से इन्होंने जब बोला कुछ कि हे पुत्र ठहरो, वो अध्वनि ही टकरा के आ रही है, वो बेटा सुखदेव वापस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, इस दौरान जब सुखदेव गोस्वामी एक सरोवर से गुजरे तो वहां स्नान कर रही युवतियों ने स्वयं को ढकने की परवाह नहीं की, जबकि वे सब स्त्रियां और सुखदेव गोस्वामी दोनों निर्वस्त्र थे। सुखदेव गोस्वामी निर्वस्त्र हैं, वहां पर जो स्त्रियां एक सरोवर पर स्नान कर रही हैं वो भी निर्वस्त्र हैं स्नान करने के लिए। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी वहां से पास हुए गुजरे, 16 साल की उम्र के ये सुखदेव गोस्वामी युवा, तो उन स्त्रियों ने अपने शरीर को ढका नहीं। आगे देखते हैं, परंतु जब श्रील व्यासदेव वहां से गुजरे तो युवतियों ने तुरंत स्वयं को वस्त्रों से ढक दिया। जब वेद व्यास जी वो वहां से गुजरे तो उन्होंने अपने शरीर को ढक दिया। कौन है? युवतियां हैं, जवान स्त्रियां हैं, और वो जो है वहां पर स्नान कर रहे थे। पर जब सुखदेव गोस्वामी गुजरे, जवान लड़का वहां से गुजरा, तो उन्होंने अपने आप को नहीं ढका। लेकिन जब वेद व्यास जी वहां से गुजरे तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया। नेक्स्ट, व्यासदेव द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर युवतियों से व्यासदेव जी ने पूछा, जब आपके पुत्र ने हमें देखा तो उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। प्योर डिवोटी, शुद्ध डिवोटी, परम वैष्णव, महाभागवत सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष की उम्र में दृष्टि में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, सब भगवान के अंश हैं। इस दृष्टि उस 16 साल के बालक की, तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि आपके बालक की दृष्टि में कोई भेद नहीं था, वे स्त्री पुरुष के बीच पाए जाने वाले भौतिक आकर्षण से परे थे। जन्म लेते ही परे हैं, सोचिए हमारी तो उम्र निकल जाती है 40 साल, 50 साल, 60 साल, तो भी आकर्षण खत्म नहीं होता। ये सुखदेव गोस्वामी जो पूरी तरह से उस भौतिक आकर्षण से परे हैं, परंतु आपकी दृष्टि में अभी भी वह भेद हैं। किसको बोला? वेद व्यास जी को, कि आपकी दृष्टि में अभी भी भेद है। क्योंकि उनको इसलिए बोला क्योंकि वो ग्रस्त हैं, उनकी पत्नी है, उनका परिवार है, तो इसलिए उनको कहा कि आपकी दृष्टि में भेद है, कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भेद रखते हैं। कोई उनका अपमान करने के लिए नहीं बोला,
सुखदेव गोस्वामी जी की परम स्थिति को प्रकट करने के लिए बोला। नेक्स्ट, ब्रह्म वैवत पुराण में वर्णन आता है कि श्रील व्यास देव ने जाबाली की पुत्री से विवाह किया था और उनका नाम था पिंजला। तो सुखदेव गोस्वामी जी की पत्नी वेदव्यास जी की पत्नी का नाम पिंजला और सुखदेव गोस्वामी जी के माता जी का नाम पिंजला। तो ये ब्रह्म वैवत पुराण की बात है। अब दोनों ने मिलकर अनेक वर्ष तपस्या की और तत्पश्चात व्यास देव ने अपनी पत्नी के गर्भ में एक शिशु को स्थापित किया। वह बालक 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। यही मैं आपको अंतर बता रहा था कि थोड़ा सा एक पुराण में ऐसा लिखा, यहाँ पर ऐसा लिखा श्रीमद् भागवतम में द्वौ 16 वर्षों तक। जब व्यास देव ने उस शिशु से बाहर आने के लिए बारंबार याचना की, कहां से बाहर आने के लिए बोल रहे बोलो अनिता टंडन माता जी, कहां से बाहर आने के लिए बोल रहे, रूम से बाहर आओ, प्लीज कम बैक, प्लीज कम आउट। यस अनिता माता जी, वापिस म्यूट कर दिया आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी, गर्भ से बाहर आने के लिए पक्का ना, रूम तो नहीं था कोई वहां। गर्भ से बाहर आने के लिए बोल रहे हैं कि आप गर्भ से बाहर आओ, गर्भ से बाहर आओ, अपनी पत्नी के उस गर्भ, क्या कह सकते हैं, उस गर्भ धारण को, उस पेट के ऊपर वो नॉक कर रहे हैं, नॉक नॉक नॉक, चलो चलो बाहर आओ, हरी बोल, बहुत समय हो गया, 9 महीने, 11 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, अब तो बाहर आओ, अब तो बाहर आओ, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रहे। सोचो, जब व्यास देव ने उस शिशु से बाहर आने के लिए बारंबार याचना की तो उस शिशु ने कहा कि वह माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहने पर ही बाहर आएगा। जब माया से पूरी तरह से लड़ना आ जाएगा, माया से पूरी तरह से मुक्त हो पाऊंगा, तब बोले मैं बाहर आऊंगा। अंदर से आवाज भी आ रही है, सोचो, बाहर से मैसेज जा रहा है, अंदर से रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। कुछ डॉक्टर यहाँ पे बैठे सोच रहे हो क्या रहा है, कैसे संभव है ये, बालक कैसे बोल सकता है। श्रील व्यास देव ने अपने पुत्र को इसका आश्वासन दिया, परंतु चूंकि व्यास देव अभी तक अपनी पत्नी एवं बच्चों से आसक्त थे, बालक को उनके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। बोले भाई, आप खुद तो आसक्त हो अपनी पत्नी से, बच्चों से, मेरे से आसक्त हो, मुझे बोल रहे हो बाहर आओ बाहर आओ, और बोल रहे हो कि मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, मुझे ऐसा कह रहे हो। गर्भ में ही, अंदर ही वो जो है सुखदेव गोस्वामी बालक के रूप में ऐसा चिंतन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अपनी इस समस्या को लेकर व्यास देव द्वारका पहुंचे। आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था कि ब्रह्म वैवत पुराण में ऐसा वर्णन है, आपने जो कहा था, मैंने उस दिन कहा था मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं, लेकिन यस आपने जो कहा था वो सही है, ब्रह्म वैवत पुराण में ये वर्णन है। अपनी इस समस्या को लेकर व्यास देव द्वारका पहुंचे और कृष्ण श्री कृष्ण से सारा वृतांत कह सुनाया। व्यासदेव के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण उनकी कुटिया में आए और बालक को पूरा आश्वासन दिया कि वह कभी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। तो अगर इसको पॉजिटिव सेंस में देखें, स्वयं भगवान वहां पर आए कहने के लिए कि माया मेरी है और माया तेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। याद करो वो उदाहरण, अग्रवाल जी के घर पे गए और उनके घर पे क्या था, कुत्ता। प्रभु जी गए डोनेशन मांगने के लिए, लेकिन डोनेशन की जगह क्या मिल रहा है, भाव 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 भाव। तो फिर प्रभु जी फोन लगाते हैं, अग्रवाल जी देखिए ना आपका कुत्ता परेशान कर रहा है। अग्रवाल जी अंदर से ही बोलते हैं, हे टॉमे सिट डाउन, चुप चाप बैठ जाते हैं। प्रभु जी आराम से घर में प्रवेश करते हैं, अग्रवाल जी से मिलते हैं, प्रसाद देते हैं, बताते हैं कि देखिए राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर मंदिर की तरफ से टेंट वेंट लगा हुआ है, अन्नदान का कार्यक्रम चल रहा है, आप भी कुछ सेवा कीजिए। अरे प्रभु जी राम जी का कार्यक्रम, ठीक है अन्नदान हो रहा है, सेवा लेकर के आ गए। कैसे आसानी से हो गया, क्योंकि उनका संपर्क किससे था, स्वयं उन व्यक्ति से। उसी प्रकार ये जो परीक्षित महाराज हैं उनके बाद, सॉरी सुखदेव गोस्वामी हैं, उनके लिए कौन आए, स्वयं भगवान आए, और भगवान आकर के उनको आश्वासन दिए कि कभी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होगा, कभी माया के गुणों से प्रभावित नहीं होगा। यह सुनकर सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए और एक परिव्रजा का आचार्य सन्यासी की भांति तुरंत घर से निकल पड़े। चार तरह के सन्यासी होते हैं, कितने तरह के, चार तरह के सन्यासी होते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कुटीचक, संन्यास आश्रम के चार भाग हैं।
सबसे पहला भाग है कुटी चक्का, मतलब क्या होता है, घर से थोड़ा दूर कुटिया बना के रहते हैं और घर से सारा सपोर्ट लेते रहते हैं, घर से थोड़ा दूर कुटिया बना के रहते हैं और घर से सपोर्ट लेते हैं, नेक्स्ट पहला स्टेप है। और उसके बाद बहुदका, बहुदका मतलब घर से सपोर्ट लेना बंद कर देते हैं, बाकी लोगों से बहुत सारे दूसरे दूसरे लोगों से सपोर्ट लेते रहते हैं, कुटी चक्का बहुदका, सेकेंड लेवल के सन्यासी। तीसरे लेवल के सन्यासी कौन हो गए, परिव्रजा का आचार्य, परिव्रजा का आचार्य, परिव्रजा का आचार्य, परिव्रजा का आचार्य, वो कौन होते हैं, वो कुटिया छोड़ देते हैं, सबको छोड़ते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते हुए प्रचार करते रहते हैं, घर से कोई संबंध नहीं, और वो प्रचार में जो कुछ भोजन वजन मिलता है उससे अपना जीवन चलाते हैं और सबको भगवान का प्रचार करते रहते हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं, परिव्रजा का आचार्य। प्रभुपाद जी के लिए हम बोलते हैं, जब भी सुबह सुबह आरती होती है, मंगला आरती, दर्शनार्थी, गुरु पूजा के बाद जब प्रेम ध्वनि बोली जाती है तो क्या बोलते हैं, जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्रजा का आचार्य अष्टोत्तर शतश्री हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो इसमें क्या आया शब्द, परमहंस भी आया और परिव्रजा का आचार्य आया, तो अर्थात एक स्टेज कौन सी हुई, परिव्रजा का आचार्य, जो घूम घूम के प्रभुपाद जी ने मात्र 11 वर्षों में 70 साल से अधिक उम्र में प्रभुपाद जी ने क्या किया, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया था, 14 बार, एक बार दो बार नहीं, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया था प्रभुपाद जी ने, परिव्रजा का आचार्य। और चौथा स्टेज है संन्यास का, उसको बोलते हैं परमहंस, परमहंस, परमहंस स्थिति में क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो, कि वो सन्यासी जो है एक स्थान पर रहकर अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति का अभ्यास करते रहते हैं और पूरी तरह से क्लियर है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, परमहंस, जैसे कि हंस होता है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, या जो मिक्स दूध है उसमें से दूध अलग कर सकता है, उसी प्रकार से ये परमहंस जो है वो मात्र कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में क्या आता है, बोलो, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजा का आचार्य अष्टोत्तर 1008 शतश्री हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनका पूरा नाम है इस तरह से। तो परिव्रजा का आचार्य, सोचिए क्या, पहले तो सन्यास कौन सा होता है, घर के बाहर थोड़ा सा दूर रहते हैं, फिर दूसरा थोड़ा सब लोगों से सपोर्ट मांगते रहते हैं, पर ये कैसे सन्यासी है, माँ के गर्भ से पैदा हुए सीधा हरी बोल, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं, सीधा स्ट्रेट कहाँ जाना है, सीधा गंगा नदी के किनारे पे, बोले मेरा भक्त जो है परीक्षित इंतजार कर रहा है, सन्यास लेके वो बैठा हुआ है, वहां जाना है। सोचो माँ के गर्भ से प्रकट होते ही सीधा हरी बोल, पापा पीछे चिल्ला रहे हे बेटा, हे पुत्र, हे हे सुखदेव, कोई किसी का सुन ही नहीं रहे। जब उद्विग्न होकर व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी का पीछा कर रहे थे, सुखदेव ने हूबहू अपने जैसे एक सुखदेव का निर्माण किया, आगे चलकर ये सुखदेव ग्रस्त बने और उनकी पुत्री पृथ्वी ने भरतवंशी महाराज नीप से विवाह किया। तो ऐसा ये किसमें बताया जा रहा है, ब्रह्म वैवत पुराण में, ये भी एक घटना हो सकती है, और भागवत पुराण में ऐसा डायरेक्टली ये सब नहीं बताया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने एक और सुखदेव का निर्माण किया और वो सुखदेव को कौन लेके चले गए, व्यासदेव जी। फिर उनके आगे शादी होती है, उनकी पुत्री होती है, उनकी शादी एक राजा नीप से होती है और वो दोबारा भागवतम सुनते हैं वेदव्यास जी से, इस प्रकार की बात यहाँ बताई गई है। अब वापस भागवत की कथा में ही, भागवत में ही आते हैं, ये रेफरेंस दिया गया था ब्रह्म वैवत पुराण से, सुखदेव गोस्वामी जी की महत्ता को बताते हुए कि जो वो स्त्रियां जब स्नान कर रही थी उन्होंने अपने वस्त्रों को नहीं ढका, लेकिन वेदव्यास जी आए तब ढक लिया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परम महाभागवत परम वैष्णव है। नेक्स्ट आगे पढ़िए। अब सुखदेव गोस्वामी मात्र 16 वर्ष के थे, उनके शरीर का वर्ण श्यामल था, हाथ पैर जंगाएं भुजाएं कंधे मस्तक तथा शरीर के अन्य अंग सुकोमल थे। सुकोमल क्यों थे,
अभी तो पैदा होके निकले हैं, बस सीधा सीधा हरी बोल जाके क्या करेंगे, सीधा प्रवचन देंगे और कुछ काम नहीं है, सीधा प्रवचन देंगे। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी निकल पड़े हैं। थोड़ी सी एक बात याद आई यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कि जिसको प्रवचन सुनाने जा रहे हैं, जिसको प्रवचन सुनाने जा रहे हैं उसको भी गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया, और जो प्रवचन सुनाने जा रहा है उसको भी भगवान ने गर्भ में प्रवचन दिया। सुखदेव गोस्वामी जी को भी तो क्या बोला था, चिंता मत करो मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम यहां से बाहर निकलो। तो इस प्रकार से यहां पर ये थोड़ा सा एक संजोग समझ में आया। सुखदेव गोस्वामी मात्र 16 वर्ष के थे, उनके शरीर का वर्ण श्यामल था, हाथ पैर जंगाए भुजाए कंधे मस्तक तथा शरीर के अन्य अंग सुकोमल थे, नेत्र विशाल और नासिका एवं कंठ उठे हुए थे, उनका चेहरा अति आकर्षक तथा छाती चौड़ी तथा सुडोल थी, नाभि गहरी एवं उदर पर सुंदर रेखा अंकित थी, उनकी भुजाएं लंबी तथा घुंघराले बाल सुंदरता से चेहरे को समेटे हुए थे, चारों दिशाएं ही उनके वस्त्र थी और उनकी रंग कांति भगवान श्री कृष्ण का सहज स्मरण करा रही थी। क्योंकि भगवान का शरीर का रंग का कैसा कलर है, कैसा रंग है, रंग का कलर कैसा है, रंग श्यामल, श्याम वर्ण। नेक्स्ट, भक्त भक्त और भगवान में यही अंतर, सॉरी भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। अगर कोई भक्त का दर्शन होता है तो हमें किसकी याद दिलाता है, भगवान की याद दिलाता है। अगर हमारे को देख करके, हमारे शरीर के रंग रूप को देख करके, हमारी क्या कह सकते हैं शरीर के आकर्षण को देख करके किसी को कुछ दूसरी भौतिक वस्तु याद आ रही है, भौतिक चीजें याद आ रही है, तो अभी भक्त थोड़ा कम ही हमारे अंदर। भक्त को देख के क्या याद आना चाहिए, भगवान की याद आनी चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी के दर्शन किए, स्वयं कृष्ण की उनको याद आ रही थी। इन सब तथा अपनी मृदु मुस्कान, सॉरी इन सब तथा अपनी मृदु मुस्कान के कारण विशेषतः स्त्रियां उनसे आकर्षित हो रही थी। उनका शरीर सुंदर और वो जवान है और वो मुस्कान है चेहरे पर, और इस प्रकार उनके शरीर का आकर्षण देख के, भगवान श्री कृष्ण के जैसे रंग की कांति देख के स्त्रियां भी आकर्षित हैं। उनके साथ में पीछे पीछे बच्चे भी उनके पास निकल रहे हैं, आगे और आएगा ये। वे एक ऐसे अवधूत की भांति पृथ्वी पर नग्न विचरण कर रहे थे जो समस्त सामाजिक रीतियों तथा नियमों से परे होता है। ऐसे पृथ्वी पर विचरण करना, खुले में ऐसे आप नग्न अवस्था में भ्रमण नहीं कर सकते हैं, ये नियमों के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी वो ऐसे नियमों से परे भ्रमण कर रहे थे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कौतूहलवश अपने के साथ चल रही, अपने साथ चल रही स्त्रियों और बच्चों के झुंड से घिरे थे। अब बच्चों ने घेर लिया, स्त्रियों ने घेर लिया, उनको लग रहा था ये पागल हैं, सुंदर पागल हैं, ऐसा करके उनका मजाक उड़ाते हुए वो स्त्री और बालक जा रही है उनके पीछे पीछे, मजाक उड़ा रहे सुखदेव गोस्वामी जी का। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की सभा में प्रवेश किया, नारद मुनि, व्यासदेव एवं अन्य कुछ व्यक्तियों को छोड़कर सब उनके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए। श्रील सुखदेव गोस्वामी की, मन से एक बार सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, एटलीस्ट मन से। कौन आ गए हैं, सुखदेव गोस्वामी जी आ गए। कौन कौन खड़े हुए, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि सब खड़े हो गए, ओनली उनके पिताजी और नारद मुनि ये खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनको पुत्र रूप में थे वो, शिष्य रूप में थे वो। और फिर क्या हुआ नेक्स्ट, व्यासदेव और अन्य व्यक्तियों को छोड़कर उनके सम्मान में अपने स्थान पर सब खड़े हो गए। सुखदेव गोस्वामी के भव्य स्वागत को देखकर वे सब स्त्रियां और बच्चे हक्के बक्के रह गए। मतलब हमने तो सोचा था सामान्य बालक है, साधारण है कोई, तो इतना बड़ा स्वागत इनका ऋषि मुनियों द्वारा, तो वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। उनका उपहास उड़ाना छोड़कर वे सब शांत हो गए और वातावरण में एक अद्भुत शांति और गंभीरता छा गई। तब व्यास नंदन सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया।
उच्च आसन प्रदान किया। जिनसे हमें कथा श्रवण करनी होती है उनको कैसा आसन प्रदान किया जाता है? उच्च आसन प्रदान किया जाता है। हम सब लोग नीचे बैठते हैं, वो ऊपर बैठते हैं। तो उस प्रकार से ये सब ऋषियों ने, एक्चुअल में उनसे उम्र में बड़े बड़े ऋषि आए हुए थे, किसी की उम्र 10,000 वर्ष, 60,000 वर्ष, हजारों वर्षों से योग का अभ्यास कर रहे हैं, अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऋषि आए हुए थे। उसी परपोर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड शुड बी मोर ग्लोरिफाइड देन लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान के भक्त का गुणगान भगवान से भी अधिक होना चाहिए। द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड शुड बी ग्लोरिफाइड मोर देन लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान के भक्त का गुणगान भगवान से भी अधिक होना चाहिए। पर कौन से भक्त का, ये याद रखना, कौन से भक्त का? शुद्ध भक्त का। ऐसा नहीं कोई भी मेरे जैसे लोग आ गए, प्रभु जी आपके चरण कहाँ हैं, ये ही गलत है। ओनली प्योर डिवोट इज लाइक श्रील प्रभुपाद। नेक्स्ट, उनका उपहास उड़ाना छोड़कर वे सब शांत हो गए और वातावरण में एक अद्भुत शांति और गंभीरता छा गई। तब व्यास नंददेव सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया। ऋषि मुनियों से घिरे वे असंख्य सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जैसे कि चंद्रमा जो है बहुत सारे सितारों से घिरा हुआ है, लेकिन चमकता कौन है? चंद्रमा। तो ऐसे सुखदेव को समझे लग रहे थे। महाराज परीक्षित ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी आसन ग्रहण कर चुके हैं, महाराज परीक्षित ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। सभी लोग एक बार करेंगे, सुखदेव गोस्वामी आपको प्रणाम है, हे श्रील प्रभुपाद आपको प्रणाम है, आपकी कृपा से हमें इस्कॉन संस्था के अंदर प्रतिदिन भागवत श्रवण करने का मौका मिलता है। आपने ये सिस्टम बनाया है, आपने जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, हरेक मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए था, वो कर्तव्य तो आपने नियम रूप में बना दिया। नित्यम भागवत सेव्या ऑटोमेटिकली फॉलो होता है जो हरे कृष्ण में आ जाते हैं। तो आपको प्रणाम है श्रील प्रभुपाद। नेक्स्ट, महाराज परीक्षित ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और फिर करबद्ध खड़े होकर मधुर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करने लगे। हे ब्राह्मण, हम आपकी उपस्थिति मात्र से ही कृतार्थ हो गए हैं। आप जैसे संतों का तो केवल स्मरण ही पावन है, फिर साक्षात दर्शन, आपके स्पर्श, आपके चरण प्रक्षालन तथा आसन प्रदान करने जैसे कार्यों के तो क्या कहना। आपको यहां देखकर मैं निश्चित कह सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ही मुझ पर विशेष कृपा है। भगवान श्री कृष्ण की मुझ पर विशेष कृपा है। आप यहां पर आए मतलब भगवान की विशेष कृपा है। नेक्स्ट, आप महान ऋषियों तथा भक्तों के गुरु हैं और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस पथ की व्याख्या करें जिसमें संपूर्ण मानव जाति का परम कल्याण हो, विशेष रूप से उनका जो मृत्यु के निकट हो। दोबारा से प्रश्न रिपीट किया है, प्रश्न याद होना चाहिए। एक्चुअल में प्रश्न का उत्तर देते ही भागवतम पूरी हो जाती है, भागवतम समाप्त, प्रश्नों का उत्तर मिल गया। लेकिन क्या 7 दिन तक उनको श्रवण करना है कुछ, तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर को विस्तार पूर्वक आगे बताया जाएगा, पूरा विस्तार से। तो प्रश्न पूछा फिर से कि उस पद की व्याख्या करें जिसमें संपूर्ण मानव जाति का परम कल्याण हो, विशेष रूप से उनका जो मृत्यु के निकट है। मनुष्य को किसका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए और किन कार्यों का निषेध करना चाहिए। प्रश्न पूछ लिया सीधा सीधा, क्लियर क्लियर, किसका श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ये कौन पूछ रहे हैं? राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से। आगे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 19वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है और यहां से दूसरा स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक शुरू होता है। यहां तक पहला स्कंद 19वां अध्याय यहां पर समाप्त हो गया। मैंने आपको बताया था पहले स्कंद में कितने अध्याय कितने श्लोक हैं, कौन बता सकते हैं? लिखवाया था पहले स्कंद में कितने अध्याय कितने श्लोक हैं? यस संगीता मुलेवा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। 19 अध्याय 808 श्लोक।
सही है, 19 अध्याय है, 808 श्लोक है। एक्चुअली में अगर हम श्लोक वाइज करते जाते तो हम अभी तो पहला अध्याय भी नहीं पूरा किए होते। हम ये कथा रूप कर रहे हैं क्योंकि हमें ये भागवतम की कथा एक बार हम श्रवण कर ले अच्छे से, उसके बाद जो है हम श्लोक वाइज एक एक श्लोक भगवान की कृपा होगी तो चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि जीवन भर करना क्या है, यही तो बोला है परीक्षित महाराज ने, प्रश्न पूछा है क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए व्यक्ति को, तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहा हूं आप सभी के लिए। उस पथ की व्याख्या करें जिसमें संपूर्ण मानव जाति का परम कल्याण हो, विशेष रूप से उनका जो मृत्यु के निकट है। मनुष्य को किसका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए बताइए, और उसे किन कार्यों का निषेध करना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, किसका श्रवण कीर्तन पूजन करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये प्रश्न जो है महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है, बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं राजन आपने, आपके प्रश्न तो बहुत प्रशंसनीय है, आपके प्रश्न तो सबके कल्याण करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न जो सुखदेव गोस्वामी जी ने इनके प्रश्नों का गुणगान किया है, तो अपनी स्क्रीन पे ये श्लोक देख सकते हैं। पहला दूसरा स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक, श्री शुक उवाच वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मा वितसम्मतः वंसाम श्रोतव्यादिशय परः। श्री शुकदेव गोस्वामी सैड, माय डियर किंग योर क्वेश्चन इज ग्लोरियस बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल टू ऑल काइंड ऑफ पीपल। आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो सबका भले करने वाला है। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि हर एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस करता हो, जॉब करता हो, घर में हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य में लगा हुआ है, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। और उसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपका प्रश्न तो क्या है, बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है, योर क्वेश्चन इज ग्लोरियस बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल टू ऑल काइंड ऑफ पीपल। The answer to this question is the prime subject matter of hearing and it is approved by all transcendentalists. तो इसका जो उत्तर है वो तो सर्वश्रेष्ठ श्रवण का विषय है और जिसको सारे सारे बड़े बड़े जो भगवान के भक्त हैं, दिव्य आत्मा हैं, उन्होंने जो है उसको अप्रूव किया है। वो उत्तर अभी क्या है अभी हमें मालूम नहीं पड़ा है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, कभी कथा में है आप लोग तो, कभी कथा में बैठे हुए 100-200 लोग बैठे हुए, 50-30 लोग बैठे हुए, तो आप क्या प्रश्न पूछोगे। महाराज जी एक बात बताइए, ये भी जो ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होने वाली है उसके लिए आपका क्या कहना है, कैसा प्रश्न पूछोगे। लोकहितम, जो सबका भला करने वाला है, सबकी मदद करने वाला है, ऐसा प्रश्न पूछना है जो सबके लिए सहयोग करने वाला हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं क्योंकि इसमें समस्त लोक का कल्याण निहित है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर ही श्रवणीय है। सांसारिक जीवन में व्यस्त लोगों के पास सुनने के अनेक विषय हैं, परंतु वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होते हैं। परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। पहले हमने समझा था, याद होगा तो आपको, ऐसे शास्त्र जिसमें भगवान का गुणगान नहीं है, नारद मुनि ने डांटा था वेद व्यास जी को, ऐसे शास्त्र जिसमें भगवान का गुणगान नहीं है, उन शास्त्रों को किसका तीर्थ स्थान बोला था, कौन बताएगा। सुशील जी। यस, कौओ का तीर्थ स्थान, तद्वायसम तीर्थम, जिन शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं है वो कौआ का तीर्थ स्थान है। तो बात कही जा रही है कि हे राजन आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं क्योंकि इसमें समस्त लोक का कल्याण निहित है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर ही श्रवणीय है। सांसारिक जीवन में व्यस्त लोगों के पास सुनने के अनेक विषय हैं, परंतु वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होते हैं। दिन भर वे धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं और रात
सोने अथवा संभोग में बिता डालते हैं। यद्यपि सत्य ठीक उनकी आंखों के सामने होता है, सांसारिक आसक्ति के कारण वे अपने अटल विनाश को देख नहीं पाते। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कष्टों से पार होना चाहता है तो उसे निश्चित ही भगवान का गुणगान एवं स्मरण करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं उत्तर के रूप में, ये उत्तर हो गया ठीक है, कि संसार में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, दिन भर कठिन परिश्रम करते रहते हैं और दिन भर तो अपना समय धन कमाने में निकाल देते हैं और रात्रि को भोग या शयन में अपना समय निकाल देते हैं। यद्यपि सत्य उनकी आंखों के सामने होता है, देख रहे हैं कि मृत्यु आने वाली है, हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, दादाजी की मृत्यु हुई, शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है और दांत काम नहीं कर रहे हैं, पेट काम नहीं कर रहा है, जो है घुटने काम नहीं कर रहे हैं, तो भी वो जो है आंखों के सामने सत्य होते हुए भी अपनी आसक्ति के कारण अपने विनाश को नहीं देख पाते। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कष्टों से पार होना चाहता है तो उसे निश्चित ही भगवान का गुणगान एवं स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण ही जीवन की संपूर्ण सर्वोच्च पूर्णता है। तो दोनों प्रश्न का उत्तर है, कृपया करके श्लोक देख लीजिए आप सभी लोग, इस श्लोक में उत्तर दिया गया है दोनों प्रश्नों का उत्तर। और जो ऐसे ग्रस्त जो अपना जीवन मात्र आहार निद्रा भय मैथुन हेतु या अपना धन कमाने हेतु निकाल देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्रह मेधी। क्या बोलते हैं, ग्रह मेधी। आप देखेंगे स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूं आप सबको, ऐसे ग्रस्तों को, ऐसे शादीशुदा व्यक्तियों को ग्रह मेधी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ग्रह मेधी का श्लोक दिखाते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रहमेदिना। दोज पर्सन्स हु आर मटेरियली एनग्रॉस्ड बीइंग ब्लाइंड टू द नॉलेज टू अल्टीमेट ट्रुथ हैव मेनी सब्जेक्ट मैटर्स फॉर हियरिंग इन ह्यूमन सोसाइटी ओ एम्परर। ऐसे जो अंधे लोग हैं उनके पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सुनने के लिए विषय हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि न्यूज़पेपर सुबह लेकर बैठ के जाएं, बैठ जाएंगे शाम तक न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, बड़ा बड़ा, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, इसमें अपना समय निकालते रहेंगे। नेक्स्ट, निद्रा हर्यते नक्तम व्यवाये नच वाव्यः दिवा चार्थहे राजन कुटुंब भरणेन वा। ऐसे लोगों का जीवन कैसे निकलता है, द लाइफ टाइम ऑफ सच एन एनवियस हाउस होल्डर इज पास्ड एट नाइट इधर इन स्लीपिंग और इन सेक्स इंडल्जेंस एंड इन द डे टाइम इधर इन मेकिंग मनी और मेंटेनिंग फैमिली मेंबर्स। पैसा कमाने में, घर परिवार को संभालने में उसका जीवन निकल जाता है जो भगवान की भक्ति में नहीं। देहा पत्र कल अत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। पर्सन्स डिवॉइड ऑफ आत्म तत्व डू नॉट इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बीइंग टू अटैच्ड टू द फॉलिबल सोल्जर्स लाइक द बॉडी चिल्ड्रन एंड वाइफ ऑल्दो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड दे स्टिल डू नॉट सी देयर इनवाइटेबल डिस्ट्रक्शन। जो आगे आने वाला उनका जो विनाश है उसको देख नहीं पाते, ऐसे आसक्त जो ग्रस्त लोग हैं वो आत्म तत्व के प्रति बिल्कुल भी प्रश्न नहीं करते हैं, जीवन की मुख्य समस्याओं के प्रति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या के प्रति कोई प्रश्न नहीं करते हैं और अपने ऐसे झूठे सैनिकों के प्रति वो आसक्त रहते हैं। झूठे सैनिक कौन, पत्नी पति पूर्व बच्चे परिवार आदि, ये सब झूठे सैनिक हैं। कहां तक साथ देंगे ये सैनिक, शमशान घाट तक मैक्सिमम। आगे, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च चेत्ता भयम्। बहुत सुंदर श्लोक है ये, दूसरे स्कंद का पहले अध्याय का पांचवा श्लोक। ओ डिसेंडेंट ऑफ किंग भरता, परीक्षित महाराज के लिए कहा जा रहा है, वन हू डिजायर्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज मस्ट हियर अबाउट glorify and also remember the personality of Godhead who is the super soul, the controller and the savior from all miseries। तो बता दिया गया है कि व्यक्ति को सुनना चाहिए उनके बारे में, गुणगान करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, किनको, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान श्री कृष्ण जो कहां बैठे हुए हैं सबके हृदय में, द कंट्रोलर एंड द सेवियर फ्रॉम ऑल द मिजरीज, उनको जो है स्मरण करना चाहिए, उनको गुणगान करना चाहिए और उनके बारे में सुनना चाहिए।
सीधा सीधा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, आप देख सकते हैं पहले दूसरे अध्याय के पहले अध्याय दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पांचवा श्लोक। जब आप देखेंगे एस बी का मतलब है श्रीमद् भागवतम, जब आप देखेंगे बी जी का मतलब है श्रीमद् भगवद्गीता, भगवद्गीता बी जी एस बी श्रीमद् भागवतम 2.1.5 मतलब दूसरा स्कंद पहला अध्याय पांचवा श्लोक, ठीक है। तो ये परम कर्तव्य बता दिया है सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को कि परम कर्तव्य है कि हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना है, उनका गुणगान करना है, उनका स्मरण करना है, गुण रूप नाम लीला याद करो भागवतम क्यों सुननी हमें, जिससे कि हम भगवान के गुण रूप नाम लीला का अच्छे से चिंतन कर सके। तो आज हम कथा यहीं पे समाप्त करेंगे, कल इसको पूरा कर देंगे, फिर आगे कल दोनों कर देंगे, आगे वाला भाग भी कर पाएंगे हम। तो आज यहीं पर हम कथा समाप्त करेंगे, आप सभी से निवेदन है और धन्यवाद है आप सभी का कि आप इस कथा में भाग लेते हैं प्रतिदिन उत्साह के साथ। कोई प्रश्न, आज जो कथा हमने किया राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी हमने जैसे आपने कहा कि एक भी 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार नहीं हुए थे सुखदेव स्वामी जी के, तो उनका नामकरण कैसे हुआ, नाम कैसे पड़ा सुखदेव? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मिथिलेश मंत्र जी अपना माइक बंद रखिए। हाँ धन्यवाद जी, कोई उत्तर देना चाहेगा इसमें से, सुखदेव गोस्वामी जी का नाम कैसे पड़ा सुखदेव गोस्वामी जी? प्रभु जी मैं बताऊं? बताइए। जो मेरी प्रभु बहुत सारे लोग हैं बोलिए प्रभु जी, इसलिए पढ़ा कि शंकर जी ने अमर कथा सुनाई थी, सुखदेव जी ने पूरी सुख ने सुन ली थी, तो इसलिए इनका नाम सुखदेव पड़ा, शायद मेरी समझ में ये आया। ठीक बात है लक्ष्मी पंडलिया माता जी, बहुत अच्छा आपने जो जवाब दिया, माइक बंद कर दीजिए। उसकी नाक सुख के समान है, उसकी वजह से तो पढ़ा। नाक ऊपर उठी हुई है सुख के समान है इसलिए, बहुत बढ़िया। पर नामकरण कब हुआ ऐसा करके इनका प्रश्न है, तो कहने का अर्थ है कि भौतिक नियमों का नामकरण तो अवश्य हुआ है, नाम तो दिया गया है उनको उनके अंगों की आकृति के ऊपर, और जो लीला हुई थी सुख मुनि की जो अमर कथा सुन करके आए थे उनके पिंजरा गर्भ में। मैं बताऊं? बताइए, हम कुछ बता रहे थे पूरा बता देते लेकिन आप बताइए, आप कोई बात नहीं जी। ऐसा सुना है कि उन्हें अपनी पेट माँ के पेट में रहे थे ना, तो उनको बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, इतने साल तक तकलीफ नहीं दिए थे, इसलिए भगवान ने उनका नाम रखा। भगवान ने उनका नाम रखा, ठीक है बहुत बढ़िया, हरि बोल, धन्यवाद। तो मुख्य रूप से बात यह है कि जो अलग अलग भौतिक संस्कार आदि थे उनका पालन करने की उनको आवश्यकता नहीं थी, वो तो ऑलरेडी प्योर डिवोटी है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो वहां से प्रस्थान किए और नाम अवश्य दिया है, बट ऐसा नहीं कहके बुलाया भागवत में अपने बेटे को कि वेद व्यास जी ने ऐसा कहके नहीं बुलाया, ए शुक 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 रुको रुको, ये कहके नहीं बुलाया गया है, पुत्र रूप में ही बुलाया गया है भागवतम में। और इससे संबंधित जानकारी अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको दूंगा। और कोई प्रश्न? सुशीला माता जी बोलिए, अब बोलिए जी। प्रभु जी वो सुख के रूप में माता के गर्भ में प्रवेश किए थे, ठीक बात है, बहुत अच्छा, इसलिए बाहर निकलने पे उनका नाम सुखदेव जी रखा जी। माता जी और भी भक्तों ने बताया, धन्यवाद। यस और कोई प्रश्न? आपने क्या बात बताई थी चीजें जी माता जी, तीन बताई थी कि बाहर का और मतलब माता जी संन्यास के बारे में बताया था, संन्यास जो है चार तरह का संन्यास होता है, कुटीचक बहुदख परिवर्जक आचार्य और परमहंस। कुटी कुटीचक बहुदख परिवर्जक आचार्य और परमहंस। आपका नेटवर्क नहीं था उस टाइम में? हाँ जी। अच्छा अच्छा, माता जी इधर चैट बॉक्स में लिख के भेजा, उसमें देख लो, चैट बॉक्स में लिखा हुआ पूरा का पूरा, वहां से देख लो आप। माइक बंद कर दीजिए, धन्यवाद। और कोई
ठीक है, समाप्त करें यहीं पर। तो 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए आपका पूरा सहयोग चाहिए, बहुत अच्छे से करेंगे।